जगन्नाथ स्वामी नयनापतगामी भवतो मे। जगन्नाथ स्वामी नयनापथगामी भवतु मे। कदाचि कालिन्दित रवीपि न सङ्गीतकरवो उदाति नारीव घनाकमलास्वादमधुपा रमा शम्भु ब्रह्मामरपति गणेशर्चित बलो जगन्नाथ स्वामी नयनापथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयनापथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी शिखि पिच्छं कटिपाते सुखुल नेत्रान्ते सा आचारि कटाक्षं विदधाते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीलाम्बरी जयो जगन्नाथ स्वामी नयनापथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनापथगामी भवतु मे। महाबोधी रे कनका रुचि रे नील शिखारे वसंत सागंत सहज बलभद्रे न बलिना भद्रमाद्रेवासरा
नयन पद जामी जगन्नाथ स्वामी नयन पद जामी भवत मे कृपा परा पर सजन दशरथिरो समावनी रामसुरदमल पंखेरुमुखा सुरेन्द्र आराध्य श्रुति गान शिखाहित चरित जगन्नाथ स्वामी नयन पद गामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पद गामी भवतु मे मुखारु गोवर्धन पति मिली पाहु देव पताले स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पदमुपाकर्ण्य सदाए दया सिंधु बंधु सकल जनता सिंधु सुजाया जगन्नाथ स्वामी नयन पद कामी जगन्नाथ स्वामी नयन पद गामी भवतु मे परम ब्रह्मा पीड़ा कुवलाय दानत फुल नयनो वसुं प्रसादंत सहज बलभद्रेण बलिना द्रौनी सचारणोनंत शिराशि Thank you.
Jaya 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 Ja
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। शीला प्रभुपाद की जय। अनुवाद पढ़ेंगे। जो कभी कभी यमुना के तट पर रहने वाले वृंदावन में वेणु गीत बजाने वाले चंचल पुरुष है और जो गोपिकाओं के मुख कमल का आस्वादन करने वाले भ्रमर है और लक्ष्मी शंकर ब्रह्मदेव इंद्र व गणपति इत्यादि देव जिनके चरणों की पूजा करते हैं वही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बने। जो बाएं हाथ में बांसुरी सिर पर मोरपंख कमर पर पीतांबर और अपने नेत्रों में सहचरों के कटाक्ष धारण करने वाले हैं वह श्री वृंदावन के निवासियों की लीला के संबंध में सदैव परिचित रहने वाले हैं वही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बने। महासमुद्र के किनारे सोने के समान सुंदर दिखने वाले नीलाचल पर्वत के शिखर पर वे स्वयं के मंदिर में अपने बंधु बलशाली बलराम दादा के साथ और मध्य भाग में अपनी बहन सुभद्रा को लेकर विराजमान है। सभी देवी देवताओं को अपनी सेवा का अवसर देने वाले वही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के प्रतीक बने। वे अत्यंत कृपालु है। पानी से भरे हुए मेघ के समान सुंदर है। वे रमा देवी और सरस्वती देवी के साथ विहार करते हैं। उनका मुख खिलने वाले निर्मल कमल के समान है। वे सभी देवेंद्रों के द्वारा पूजनीय हैं और जिनके दिव्य चरित्र का श्रुति शास्त्रों के अग्र भाग में गायन होता है वही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बने। अपने रथ पर बैठकर जाते हुए रास्ते में मिलने वाले ब्राह्मण समुदाय के द्वारा की गई स्तुति का श्रवण कर कर उनके मन में दया उत्पन्न होती है और जिन्हें दया का सागर व संपूर्ण जगत का मित्र कहा जाता है वही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बने। वे मुकुटमणि स्वरूप गरब्रह्म हैं। उनके दोनों नेत्र नील कमल के दल के समान खिले हुए हैं। वे नीलाचल पर निवास करते हैं। वे अनंत शेष के सिर पर अपने चरण कमल रखते हैं। भक्ति रस से ही वे आनंदित होते हैं और श्री राधिका के श्रेष्ठ देह का आलिंगन करने पर जिन्हें सुख मिलता है वही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बने। मैं श्री जगन्नाथ देव से राज्य की मांग नहीं करता, सोने तथा रत्नों के वैभवों की भी मांग नहीं करता और जिन्हें प्राप्त करने की सभी को इच्छा है ऐसी सुंदर स्त्रियों की भी मुझे कामना नहीं है, परंतु जिनके सुंदर लीला चरित्र को शंकर जी समय समय पर सतत गाते रहते हैं वही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बने। हे सुरपते, आप मेरे अनित्य संसार का शीघ्र ग्रहण हरण करें। हे आदर पते, आप मेरी पाप राशि का हरण करें। अहो, जिन्होंने केवल दीन और अनाथ लोगों पर अपने श्री चरण स्थापित करने का निश्चय किया है वही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बने। जो मनुष्य पवित्र होकर व सावधानी पूर्वक
इस पुण्यवान जगन्नाथ अष्टकम का पठन करेगा वह मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शुद्ध चित्त की प्राप्ति कर विष्णु लोक जाएगा। बोलो श्री जगन्नाथ अष्टकम की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डॉक्टर क्षमा शाह का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने बड़े भक्ति भाव से जगन्नाथ के इस अनोखे उत्सव में जगन्नाथ अष्टकम गाकर जगन्नाथ को प्रसन्न किया, हमें सब भक्तों को प्रसन्न किया, आपका बहुत धन्यवाद है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्ति वेदांत अस्पताल के परिवार के सभी सदस्यों का बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तगण उपलब्ध हैं, बैठे हैं, और कुछ लोग अगर अपना वीडियो भी ऑन करेंगे तो थोड़ा और आनंद आ सकता है। आप सबका इस ऑनलाइन जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में स्वागत है। प्रकृति के और समय के बहुत ही अनोखे प्रभाव के कारण हम सब लोग यहाँ पर ऑनलाइन बैठे हैं और ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म पर जगन्नाथ रथ यात्रा का आनंद ले रहे हैं। प्रकृति के तरफ से और काल के तरफ से कितने भी संकट आएंगे फिर भी भगवान की भक्ति की भावना रोकी नहीं जा सकती, ये हमें समझना बहुत जरूर है। क्योंकि भगवान की भक्ति की जो भावना और भगवान की भक्ति की जो क्रिया है वो त्रिगुणातीत है, वो तीन गुणों के परे हैं और उस पर समय का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए वो कालातीत भी है। जो व्यक्ति भक्ति में प्रगति करना चाहता है और निरपेक्ष होकर भक्तिमय कार्य करता है और करने का प्रयास करता है उस पर कभी भी समय का प्रभाव नहीं होता है और उसके भक्ति मार्ग में कोई बाधा नहीं आ सकती। हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य जिनके नाम से हमारा संप्रदाय जाना जाता है, जो है रूप गोस्वामी महाराज, तो बताते हैं कि भक्ति के मार्ग में कोई भी भौतिक बाधा नहीं आ सकती। और मेरा तो ये कहना है, मत है और अनुभव भी है कि कोरोना काल ये सभी भक्तों को अंतर्मुख होने के लिए एक बहुत सुंदर सुनहरा अवसर प्राप्त कर दिया गया है। अभी तक तो हम रथ यात्रा में मार्ग पर नृत्य करते थे, मार्ग में गायन करते थे, जगन्नाथ को निहारते थे, जगन्नाथ को भोग अर्पण करते थे, भक्ति वेदांत अस्पताल की ओर से आरती अर्पण करते थे भक्ति वेदांत अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास, और कई 10 किलोमीटर चलते हुए हम लोग आनंद लिया करते थे। कई साल उस आनंद में बीत गए। अभी श्री जगन्नाथ महाराज की ऐसी इच्छा है कि हम हृदय के स्तर पर अंतर्मुख होकर इस जगन्नाथ रथ यात्रा पर चिंतन करें और हृदय के पटांगण पर, हृदय के प्रांगण में
इस रथ यात्रा का अनुभव करने का प्रयास करें। ये भी एक आध्यात्मिक प्रगति का अनोखा मार्ग है। हर चीज अगर बाह्य अवस्था में करते रहेंगे तो फिर जो वास्तविक भक्ति का आनंद है उसका अनुभव नहीं होता। जैसे वृंदावन में जब तक श्री कृष्ण भगवान थे सब गोपियां उनके साथ थी, लेकिन कृष्ण एक ही थे और बहुत सारे ब्रजवासी थे। जब श्री कृष्ण वहां से शरीर से देह से अगर जब से वहां से निकल गए और वृंदावन से मथुरा गए और मथुरा से द्वारका गए, द्वारका से हस्तिनापुर आए, फिर कुरुक्षेत्र में युद्ध में गए, लेकिन जब वो वृंदावन को छोड़कर बाहर गए तब हर एक ब्रजवासी जीव के हृदय के अंदर भाव रूप में उन्होंने प्रवेश किया। हर एक भक्त को, चाहे वो मनुष्य नहीं, कीड़ा मकोड़ा पंछी प्राणी, गाय बैल भैंस बकरा ससा यानी कि खरगोश, यानी यहां तक कि वृक्ष वेली फूल फल, इन सभी जीवों में उन्होंने भाव रूप में प्रवेश किया। और जो आनंद 11 साल 12 52 दिन तक कृष्ण ने अपने देह संग के साथ ब्रजवासियों को दिया, उससे लाखों गुना गुणित आनंद भगवान ने भाव रूप में उत्कट रूप में हृदय के सर पर सभी ब्रजवासियों को दिया। तो यही भगवान ब्रजवासियों को भक्ति में प्रगति कराना चाहते थे। तो एक आनंद था उनके संग का और दूसरा उसके ऊपर उच्च आनंद था उनके विरह में अति उत्कट संग का। तो विरह का मतलब क्या है? हृदय में अति उत्कट संग और बाहर से विरह का दुख यानी अश्रु प्रवाह कंप स्तब्धता और बहुत सारे विकार। तो आइए हम हर चीज में हर घटना में हर प्रसंग में सकारात्मक दृष्टि रखें। लेट अस कीप पॉजिटिव एटीट्यूड, जिससे भगवान के द्वारा नियोजित जो भी प्रसंग है उसमें से हम हर स्थिति में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सके। और कोई भी स्थिति चाहे बाह्य दृष्टि से प्रतिकूल हो लेकिन वो हमारे आध्यात्मिक प्रगति को ना रोक सके, क्योंकि हमारा जीवन सीमित है। चाहे कोरोना काल अभी और 4 साल भी चलेगा, 1 साल चलेगा, किसी को पता नहीं है, लेकिन ये सब हमारे जीवन के बहुमूल्य क्षण हैं। 1 साल कोई साधारण स्थिति नहीं है, 1 साल बहुत लंबी स्थिति है, बहुत दीर्घ काल है। तो इतना मनुष्य जीवन का दीर्घ काल हम ऐसे ही नकारात्मक सोच में या दुखी होकर आध्यात्मिक उन्नति न करते हुए बिता नहीं सकते। हमें हर स्थिति में हर अवस्था में मन की शरीर की आत्मा की बुद्धि की परिस्थिति की हर अवस्था में आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें ये हमको देखना है। इसलिए भक्त को जैसे गंगा नदी, मैं भी 2 महीने वहां निवास करके आया, ऐसे निरंतर बहते रहती है। बड़ा पत्थर हो तो बाजू से निकल जाती है, छोटा पत्थर हो ऊपर से निकल जाती है, बाढ़ आती है सब पत्थरों के ऊपर से चलती है। जब जल कम हो जाता है गर्मी की अवस्था में सभी पत्थरों को आदर पूर्वक परिक्रमा करके चले जाते, लेकिन उसके दिशा में और उसकी गति में कोई अंतर नहीं आता है। क्या कहते हैं उसको? अथक यानी निरंतर गंगा जी अपने लक्ष्य की ओर यानी सागर की ओर, गंगा सागर की ओर निरंतर बढ़ती रहती है। कोई ऐसी स्थिति नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं है, कोई ऐसा ऋतु नहीं है, कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जिसमें गंगा रुक गई हो, इम्पॉसिबल। तो उसी तरह से हमें देखना है कि हमारे भक्ति की गंगा भी भगवान जगन्नाथ के चरणों में निरंतर बहती रहे, चाहे कोरोना आए या और कुछ आए, H1N1 आए, हाँ, या इबोला वायरस आए, या कोरोना आए, या डेल्टा वायरस अभी आ रहा है, या अभी बच्चों की वेव थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी पता नहीं है, आए या ना आए आध्यात्मिक स्तर पर हमें पीछे नहीं हटना है। थोड़ी गति कम हो सकती है लेकिन फिर गति पकड़नी है, छोड़नी नहीं है, गाड़ी बंद करके पार्किंग करके उतरना नहीं है हमें। तो वैसे हम ये अभी थोड़े से सूक्ष्म तरीके से ये उत्सव मना रहे हैं, वही है आपका भाव, वही है आपके भाव के लिए रुकावट नहीं है। आप सब लोगों ने
मैंने सुना है कि 200 भोग बना कर लाए और जगन्नाथ जी को अर्पण करके उसको फोटोग्राफ ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल के ग्रुप में जा चुके हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। आप आइए, जगन्नाथ को भोग लगाइए, जगन्नाथ के श्रृंगार में कोई रुकावट नहीं है। जगन्नाथ का बहुत सुंदर कमलों के फूलों द्वारा बहुत सुंदर श्रृंगार किया गया है, रथ के जगन्नाथ का किया गया है, सावर जगन्नाथ का किया गया है। जगन्नाथ अष्टकम गाने में कोई भाव में कोई कमी नहीं है, आप जैसे चाहे भाव से जगन्नाथ को रिझा सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करने में कोई रुकावट नहीं है। और हमें याद रखना है कि ये रथ यात्रा का आरंभ कहां से हुआ था। रथ यात्रा का आरंभ हृदय में ही हुआ था, बाह्य स्वरूप में नहीं हुआ था। बहुत लंबी कहानी है, संक्षिप्त में बता रहा हूं मैं आपको। उस भाव को आज हमको पकड़ना है, जिस भाव, जिस उत्कट भाव से गोपियों ने हृदय के स्तर पर रथ यात्रा संपन्न की थी, उसी भाव को आज अपनाने का समय आया है और अपना कर उसी उत्कट भाव में रथ यात्रा का आनंद हमें अनुभव करना है। कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवान ने अपने उम्र के 125 साल की उम्र में कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने के पहले ब्रजवासियों को, गोपियों को संदेश दिया था, आइए मुझे आप कुरुक्षेत्र में मिलिए। और गोपियों के मन में तो वही भाव था कि ये तो हमारे ग्वाल बाल कृष्ण मोर पंख धारण करके, लकुटी धारण करके, वनमाला पहन के, गायों को चलाते हुए, वो रूप उनके मन में था। 11 साल 52 दिन के स्वरूप का याद थी उनको, उसी को लेकर चले गए। वहां गए तो क्या देखते हैं, वो तो राजा महाराजा धीराज बने हुए हैं, मुकुट पहने हुए, राज वस्त्र पहने हुए हैं, अलंकार पहने हुए हैं, इतने सारे घोड़े लगाकर रथ बनाया गया है, आगे सैनिक पीछे सैनिक, राजदंड, इतना सारा ऑफिशियल अरेंजमेंट वहां पर है। तो ये बहुत सहमा गए, वो दिल बुझ गया उनका कि ये तो हमारे कृष्ण ही है, ये तो कोई अलग ही कृष्ण है, हम तो वृंदावन कृष्ण गोपाल कृष्ण को देखना चाहते। फिर उनको ध्यान में आया कि अभी ये इतने दूर है हमसे, हम उनको आवाज भी नहीं दे सकते, पुकार भी नहीं सकते, संवाद नहीं कर सकते, दिल की बात कह नहीं सकते। तो वो इतने व्याकुल हो गई, कहते हैं कि जितनी विरह में वो जब कृष्ण नहीं थे, उससे लाखों गुना अधिक विरह का अनुभव उन्हें कृष्ण के सामने होते हुए हुआ, क्योंकि जिस कृष्ण को देखने गए तो वो कृष्ण तो वो थे ही नहीं। कभी कभी कैसा होता है, पंच पकवान का पात्र यानी थाली हमारे सामने है, हम भी बहुत भूखे हैं कई दिन के, लेकिन उसमें रेती उड़ जाती है, फिर हम भूखे होते हुए भी उस पंच पकवान के थाल को ग्रहण नहीं कर सकते। उसी प्रकार से इतने 115 साल के ऊपर के विरह में थे, वो व्याकुल थे, बड़ी उत्सुकता के साथ कृष्ण को देखने आए थे, लेकिन कृष्ण तो थे सामने उनके, लेकिन उनका संग नहीं कर पाए वो, और अधिक उत्कट और तीव्र विरह का अनुभव उनको हुआ। तो उस समय उन्होंने क्या किया, जो रथ में वो खड़े थे श्री कृष्ण, उस रथ को मन ही मन में एक दौर लगा दी, यानी क्या कहते हैं उसको, रोक्स को क्या कहते हैं, दंड, वो जिससे हम खींचते हैं ना दंड को, वो बांध दिया उसको मन ही मन में, और उस रथ को खींचना आरंभ किया और मन ही मन में गा रहे हैं कि पुकार रहे हैं, हे कृष्ण चलो, यहाँ पर क्यों खड़े हो आप सेना के बीच में, चलो फिर वृंदावन लौट के चलते हैं, वहां पर गाय चराएंगे, मुरली बजाएंगे, हाँ मोरों के साथ में नृत्य करेंगे, रास लीला करेंगे, फिर ब्रज का वो सामान्य और सादगी का आनंद उच्च तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से हम आनंद लेंगे। और सभी गोपियों ने अपने हृदय में, क्योंकि उनका हृदय स्वयं वृंदावन था, माधुर्य से प्रेम से भरा हुआ था, सभी गोपियों ने उस रथ को खींचा और मनी मन में वृंदावन में लेके आए। ये जो घटना है वो कहीं बाह्य स्वरूप में हुई नहीं थी, वो सब अंदर ही हुई, हृदय के प्रांगण में हुई, और उसी को बाह्य मूर्त स्वरूप देते हुए ये रथ यात्रा हो रही है। आज वो नीलाचल धाम जो है वो द्वारका या कुरुक्षेत्र है, ऐश्वर्य संपन्न राज्य का प्रतीक है, और वहां से हमारे कृष्ण जगन्नाथ जी रथ में बैठकर जा रहे हैं और सब उनको वृंदावन की ओर खींच रहे हैं। इसको कहते हैं सुंदराचल, जो रथ यात्रा का दूसरा एंड है, जहां पर रथ यात्रा समाप्त होती है, संपन्न होती है, वो गुंडीचा मंदिर के नाम से जाना जाता है, और गुंडीचा मंदिर सुंदराचल जो है वो गुप्त वृंदावन के भाव में प्रसिद्ध है, वहां पर
भगवान ब्रज का आनंद लेते हैं, ब्रज का भाव का आनंद लेते हैं, वहां के प्रसाद का आनंद लेते हैं। तो वैसे ही कुछ स्थिति हमारी है, हमको तो बहुत इच्छा है तो मार्ग पर जाकर नृत्य करें, बड़ी धूमधाम से भीड़ भाड़ में इसको उत्सव संपन्न करें, लेकिन समय के अनुसार कैसे हमारे भाव को बदलना है और कैसे हमारे भाव को आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए अनुकूल बनाना है, ये समय की मांग है। दिस इज द कॉल ऑफ द टाइम। तो आइए जगन्नाथ जी का विचित्र स्वरूप, जगन्नाथ जी की अद्भुत लीलाएं, मैं पिछले हफ्ते में सोच रहा था इसके बारे में कि जगन्नाथ का ये अद्भुत स्वरूप जिसका नाम उन्होंने खुद दिया है स्वयं, राधा विरह ताप विगलित रूप। राधा के विरह में जो तापमान बढ़ता है ना, ताप, उस ताप में जो विगलित हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, उसको जगन्नाथ ने अपने आप को नाम दिया है कि मैं, मेरे स्वरूप का नाम क्या है, राधा विरह ताप विगलित रूप। इसको समझना और इस अद्भुत रूप के लीलाओं को समझना अगर हमारी इच्छा है, थोड़ी कृपा की आवश्यकता है कि ऐरा गैरा व्यक्ति इसको समझ नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत अद्भुत और बहुत अंतरंग और बहुत उत्कट ये रहस्य है। पर श्रील प्रभुपाद जी के असीम कृपा से हम सब लोग कुछ कुछ इस तत्व को जान चुके हैं, इस स्वरूप का महात्म्य, इनकी लीलाओं का महात्म्य, इनके क्षेत्र का महात्म्य, इनके दर्शन का महात्म्य, इनके महाप्रसाद का महात्म्य, ये सब कुछ कुछ हमें अनुभव आया है, क्योंकि हमारे भी अस्पताल में और हमारे अस्पताल जो क्षेत्र में है मीरा रोड, उस क्षेत्र में भी सब जगह पर जगन्नाथ छाए हुए हैं। इस्कॉन मीरा रोड के मंदिर में जगन्नाथ के विग्रह हैं, भक्ति वेदांत अस्पताल में एक स्थावर जगन्नाथ जी हैं, एक चलायमान जगन्नाथ जी हैं, हर रोज रथ यात्रा करते हैं, और हर गृहस्थ के घर में भी बिना प्लानिंग योजना किए हुए सब जगह जगन्नाथ विराजमान है। तो ये हमारे ऊपर बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी की, और हम आपको सबको विनती करते हैं कि अभी जब हम रथ यात्रा करेंगे तो सब लोग मन से जगन्नाथ के रथ की डोरी पकड़कर मन से उसको खींचना और इस भाव से खींचना कि हम उन्हें कुरुक्षेत्र से वृंदावन की ओर खींच रहे हैं। देखिए आपको पता चलेगा आपके मन की भावना में कोई रोक नहीं लगा सकता। गोपियों को भी उनके पिताजी ने रास लीला में जाने को नहीं दिया, घर में कैद कर दिया, उन्होंने तो प्राण त्याग दिया, आत्मस्वरूप में रास लीला में भाग लिया, उन्होंने शरीर को त्याग दिया, शरीर का बंधन है तो छोड़ दिया उसको और आत्मस्वरूप में रास में जाकर उन्होंने सहभाग दिया। इसका मतलब यह है कि भक्ति में कोई रुकावट नहीं है। तो आइए सबसे पहले एक आपके लिए विनती है कि उस कृपा की याचना करें जो हमें जगन्नाथ को समझने के लिए आवश्यक है। प्रभुपाद जी हमारे हॉस्पिटल में विराजमान हैं, गुरुदेव भी हमारे विराजमान हैं हमारे हृदय में, उन दोनों को प्रार्थना करें। भगवान नाम का बहुत ही दिल से उत्कटता से जप करें और पुकारें, उसमें कंजूसी ना करें। कितने सालों से भक्ति वेदांत में हम रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अभी भी अगर भक्ति वेदांत में रहते हुए भी अगर भगवान के नाम के जप में अभी भी हम चुके हैं, नहीं कर रहे हैं, समझो कंजूसी कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, दिल से करें, हृदय से करें और इस कृपा को प्राप्त करें, फिर बहुत ही त्वरित और बहुत ही जल्द ही हम सब लोगों को जगन्नाथ के इस अद्भुत रूप का रहस्य हृदय में प्रकाशित होगा, उनकी लीलाओं का रहस्य हृदय में प्रकाशित होगा और जगन्नाथ रथ यात्रा के इस सुंदर अनोखे उत्सव के इस शुभ अवसर पर हम प्रभुपाद जी और गुरु महाराज इन सब की ओर से आप सब लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं, आपका अभिवादन करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोगों ने बहुत बड़ी सहयोग से इस उत्सव को इस सूक्ष्म रूप से ऑनलाइन जूम पर संपन्न करना स्वीकार कर लिया है। आइए अधिक समय न लेते हुए अभी हम इस प्रांगण में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को आरंभ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अभी रथ यात्रा आरंभ कीजिए। आइए योगेश पवार जी
चिरंदन प्रभु, कलिंदी माता जी, एक दोरी माताएं पकड़ सकते हैं? दो दोरी है ना इसको, मैं पकड़ता हूँ, यही बैठ कर हम आपको यहीं से रथ यात्रा का दर्शन कराएंगे बहुत अच्छी तरह से। रथ को दो दोरियां हैं, एक तरफ माताएं उसको पकड़े पकड़ेंगी, स्वीकार करेंगी, और एक तरफ से प्रभुगण। मेरे विचार से दो माताएं दो प्रभुगण स्वीकार करेंगे, पीछे से दो प्रभुगण उनके उसको सहारा देंगे, तो अच्छा रहेगा। शुरू करो ऐसे, स्ट्रेट जाना, स्ट्रेट स्ट्रेट जाके गोल घूम के ऐसे आना, मृदंग निकालना, ये हारमोनियम निकालो, ऐसे स्ट्रेट जाना, टर्न करके ऐसे आना, हारमोनियम मृदंग निकालो और कीर्तन करते करते गाते गाते जाओ, चलो एक ही स्पीड में चले जाना। जल्दी घुमाओ, निकालो। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, देखिए लाइट बंद कर दीजिए, इधर इधर उसका दर्शन यहाँ पर कीजिए। हाँ सर, हाँ अभी आज आपको मैं कुछ बातें याद दिला रहा हूँ। रथ में बैठे हुए रथारूढ़ जगन्नाथ जी का दर्शन करना भाव से हृदय से, इतना करने से कृष्ण प्रेम और भगवत धाम प्राप्त होता है। साथ में रथ में बैठे हुए जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए हाथ जोड़ना और प्रार्थना करना, उसके बाद जमीन पर झुककर प्रणाम करना, रथ के रस्सी को हाथ लगाना और रथ को खींचना, इनमें से कोई भी काम आप करेंगे तो कृष्ण प्रेम और भगवत धाम प्राप्त होता है। इसमें से अभी आप जगन्नाथ का भाव से दर्शन, उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम, और जहां पर आप हैं वहां पर जमीन पर झुककर प्रणाम, ये तीन तो जरूर कर सकते हैं। और आपकी ओर से हम ये भाव रखना कि आपकी ही ओर से आपकी ही प्रतिनिधि के रूप में हम इस रथ की रस्सी को ग्रहण कर रहे हैं। आइए कालिंदी माता जी, आपका हाथ यहाँ पर मुझे दिखाई, जैसे आप आइए आगे आइए आगे आइए, रथ को आगे लेके आइए, एंड शो योर हैंड विथ होल्डिंग द रोप। देखिए ये हमारी डॉक्टर शमा आपके लिए, आपके लिए, आप ही के लिए रथ के रस्सी को धारण कर रहे हैं। वहां पर हमारे योगेश्वर मुरारी प्रभु और यहाँ पर सचिनंदन प्रभु ये रथ की रस्सी को आपके रूप में, आपके उपलक्ष्य प्रतिनिधि के रूप में धारण कर रहे हैं। आइए रथ यात्रा को आगे बढ़ाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे रामा 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 हरे हरे। लाइट बंद कर दीजिए। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। एक बार फिर जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, वो निहारिए प्रेम से, उनको वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, और फिर और जगन्नाथ जी को भाव मन में रखना है जो खींच रहे हैं विशेषता से, कि हम आपको आपको हे भगवान, हम आपको कुरुक्षेत्र से वृंदावन की ओर खींच रहे हैं। आइए वृंदावन चलें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। बंद करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय जगन्नाथ, हरे रामा राम रामा हरे। चलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे,
जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, नयन पथ गामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, नयन पथ गामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, नयन पथ गामी भव तुम्हें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा। 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 तो आपके दर्शन कराओ सबको। अभी ये आखिरी राउंड हम ले रहे हैं, इसके बाद एक और राउंड होगा। इसके पहले एक बार जगन्नाथ जी को रथ में बैठे हुए वृंदावन में पहुंचने के लिए आतुर भाव में होते हुए एक बार निहार लीजिए प्रेम से। देखिए जगन्नाथ जी आपको देख रहे हैं, आप भी जगन्नाथ को देख रहे हैं। जब ये नेत्रों का मिलन होता है तब कृष्ण प्रेम निर्माण होता है। तो ऐसे नहीं कि हम केवल उनको देखने के लिए आतुर हैं, वे भी हमारे लिए, हमको हमारा दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसलिए नेत्रों में उनको भर लीजिए, हृदय के पटांगण में विराजमान कर दीजिए। जय जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय हो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। प्रभुपाद की जय। अभी सब लोग हृदय से, भावना से, तीव्रता से, उत्कटता से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन चक्र इन सबको प्रार्थना कीजिए। कि अभी बस हो गया, 2 साल हो गए मन में ही यात्रा कर रहे हैं, अगले साल हम मार्ग पर आकर भाव विभोर होकर आपके सामने नृत्य करना चाहते हैं और नाचते हुए भाव विभोर होकर आपको वृंदावन की ओर ले जाना चाहते हैं। ऐसे मन से हृदय से आप प्रार्थना करना, वो सब जानते हैं और हमारे भाव को भी जानते हैं और उच्च समय पर, उचित समय पर उचित योजना भी करेंगे। ऐसे उनके चरणों में हम निवेदन करते हैं और हमारे
प्रेम भाव को, भक्ति भाव को उनके चरणों में, श्री चरणों में अर्पण करते हैं। और आज के इस जगन्नाथ रथ यात्रा के उत्सव को संपन्न हो गया ऐसा घोषित करते हैं। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन चक्र भगवान की, श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम की जय, जय जय श्री राधे। शाम बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको हम ये सूचित करते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में जगन्नाथ जी का और जगन्नाथ रथ यात्रा का महाप्रसाद आपके पास पहुंचाया जाएगा। और जगन्नाथ का महाप्रसाद और जगन्नाथ का दर्शन दोनों प्राप्त करने से श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, आप बड़ी संख्या में इस उत्सव में उपस्थित रहे। आज के दिन की शुभकामनाओं के साथ हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।